आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका जो माउस है इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। जब सिंगल क्लिक करता हूं मैं तब भी ये डबल क्लिक कर रहा है, तो इसमें डबल क्लिक वाला इशू है। तो पुरानाओं के सारे माउस ऐसे ही हो जाते हैं। लेने को 500-600 का माउस होता है, नया लिया जा सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको रिपेयर करने का ट्राई करते हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं इसको रिपेयर करना। सबसे पहले तो इसकी बैटरी निकाल लो। इसके अंदर ये स्क्रू है, इसे खोलना है। आपके माउस के मॉडल पे निर्भर करेगा कि कितने स्क्रूज है क्या है। कई माउस के मॉडल्स में जो स्क्रूज होते हैं इसके बेस के नीचे भी लगे हुए होते हैं, तो इनको हटा के आपको खोलना पड़ेगा। खैर, इस पर्टिकुलर माउस के मॉडल में और कोई स्क्रूज नहीं है, सिर्फ एक स्क्रू से पूरा खुल जाता है। ये इसका पीसीबी होता है छोटा सा, और ये जो है इसका लेफ्ट क्लिक का बटन है, इसको खोलना है हमें। ज़्यादातर जो पुराने माइस आते थे उनमें ये बटन्स को रिपेयर कराया जा सकता था खोल के। आजकल के कुछ माइस ऐसे हैं जिनमें बटन सील्ड होते हैं, तो उनमें आपको पूरा स्विच ही बदलना पड़ेगा। बहुत ही आराम से इसे उठाना, नहीं तो सारा हवा में उड़ जाएगा सामान। ये निकल गया। इन स्विचेस के कॉन्टैक्ट्स या तो लूज़ हो जाते हैं या इनके नीचे थोड़ा सा कार्बन जमा हो जाता है, तो इनको साफ़ करके और हल्का सी टेंशन ऐड करके दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे। इसका से स्लाइड करके निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा बेंड कर देंगे। ये हल्की सी मैंने इसमें टेंशन ऐड कर दी है। इसकी टेंशन कम हो जाती है वक्त के साथ पुराना होके, ये इसलिए ऐसा करने लगता है। अब इसको वापस लगा लेंगे। अगर आपके माउस में सील्ड स्विचेज हैं तो रिप्लेसमेंट के लिए आपको अमेज़ॉन और ऐसी कई वेबसाइट्स से मिल सकते हैं, तो उनको सिंपली आपको सोल्डर करके रिप्लेस करना पड़ेगा। ये टेक्निक उन माइस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, कई कई हज़ार के माइस होते हैं, और ये जो स्विचेस होते हैं अक्सर माइस में ख़राब हो जाते हैं कुछ साल बाद ही। इसको वापस लगा लिया मैंने और ये पहले से बेटर काम कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से काम करना चाहिए। अब इसे वापस लगा लेते हैं। तो इसका जो छोटा सा ये पार्ट होता है प्लास्टिक का, इसको स्विच में वैसे लगा लेंगे वापस। और इसको फिक्स करने के बाद इसे क्लिक करके देख लेना, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है ये। मैंने दोनों स्विचेस के साथ सेम प्रोसेस कर ली। राइट वाला जो स्विच था इसमें वैसे प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा टेंशन ऐड कर दी। और ये सब जो गंदगी है इसमें साफ कर लेते हैं एक ब्रश की मदद से पहले। इसको वापस लगाते वक्त इसकी स्विच की पोजीशन का बहुत ध्यान रखना। अगर ये ऑन पे था तो आपको ऑन पे ही छोड़ना है, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसे गलत लगा दी, ये ज़रा सा इसका स्विच होता है, ये टूट जाएगा नहीं तो। पीसीबी को वापस इसके हाउसिंग में लगा लेते हैं। कोशिश करें कम से कम आप फिंगर से टच करें, कहीं भी फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े इसके पीसीबी पे, और ज़्यादा जगह ऑलरेडी हमने क्लीन कर ली है। अगर आपके केस में स्क्रोल व्हील काफ़ी ज़्यादा गंदा है तो उसको भी आप अल्कोहल की मदद से साफ़ कर सकते हैं। मैं इसकी सफाई से सेटिस्फाइड हूँ, तो इसलिए इसे एज इट इज़ लगा लूँगा। वापस स्क्रू कस के बैटरी इंस्टॉल करके इसको चला के चेक कर लेते हैं कि कैसा काम कर रहा है अब। और आप देख सकते हैं अब मैं ये लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ सिंगल, तो ये सिंगल ही हो रहा है। डबल क्लिक करूँगा तब कुछ खुलेगा, जैसे अभी खुला। पहले नहीं तो सिंगल क्लिक पे डबल काम कर रहा था। कई माइस में जिनमें स्विचेस सील्ड होते हैं उनमें आप थोड़ा सा अल्कोहल डाल के भी उनको साफ करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर वो उससे काम कर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। और एक बोनस टिप मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका पावर बटन होता है ना, ये कई लोगों की ये आदत होती है कि बैटरी सेव करने के लिए वो इसको ऑन ऑफ करते रहते हैं। इसको ऑन ऑफ मत करो, इसको ज़्यादा यूज़ मत करो, क्योंकि पास्ट में मैंने यूज़ कर रखा है और मैंने काफ़ी हद तक देखा है जो स्विच होता है ना बहुत ही लो क्वालिटी का लगाती हैं कंपनीज, तो अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा सा आप यूज़ करने लगेंगे कुछ महीनों बाद ये थोड़ा सा है ना ऑन ऑफ अपने आप खुद से ऑन ऑफ होने लगेगा। आप ऑन पे भी करेंगे बार बार उसे करेंगे वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए बैटरी सस्ती है और ऑन ऑफ का स्विच गलती से भी इसका मत यूज़ करो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उसकी वजह से माउस जल्दी कूड़े में जाता है। आप कोई भी माइस ले लें, चाहे बजट सीरीज़ में लें या बहुत ही हाई एंड में कई हज़ार रुपए वाला भी आप लेते हैं, लाइफ इन सभी माइस की लगभग बराबर है।
जितना वारंटी पीरियड कंपनी आपको देती है वही ये निकालते हैं ज़्यादातर केसेस में। इस 22 की अगर मैं बात करूँ तो 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसको चलते हुए, और उसी के बाद ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था तो मैंने सोचा इस तरह की वीडियो बनाई जाए इस पर, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल पाए। खैर, बजट सीरीज़ के माइस को तो रिपेयर करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होगी, आप सिंपली नया ख़रीद सकते हैं, थोड़े से ही पैसे में आता है। कुछ जो मॉडल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं और वो ज़्यादा चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप यही मान के चलें कि वारंटी पीरियड तक ही माइस चलेगा, तो ज़्यादा आपको ओवर स्पेंड नहीं करना चाहिए इस तरह की डिवाइसेस में। और इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई है उन लोगों के लिए जिन्होंने काफ़ी महंगा माउस ले लिया है और वो सिंपली उसको वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो एक बार आप इस टेक्निक से ट्राई करके देख सकते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट से अगर आप बच गए तो आपके काफ़ी सारे पैसे सेव हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।